क्या है वो पांच क्वेश्चंस जो आपको अपने अपलाइन को पूछना है अगर आज आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन करने वाले हो या फ्यूचर में प्लान कर रहे हो या आप ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हो आप इस बिजनेस को 100% ऑनलाइन करना चाहते हो तो ये पांच क्वेश्चन जरूर पूछना वरना डेफिनेटली आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अपना समय वेस्ट करेंगे फ्रस्ट्रेट होंगे एंड आप प्लान करेंगे फेल होने के लिए। तो क्या है वो क्वेश्चन जानेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है विक्रम खंडेलवाल, आई एम ए ब्लैक टी डिजिटल मार्केटर एंड ऑनलाइन बिजनेस एनालिस्ट, जहां नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मेरे और भी मल्टीपल ऑनलाइन बिजनेस में से एक बिजनेस है। तो चलते हैं मेरे स्क्रीन पे, जहां पे आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या है वो पांच क्वेश्चंस जो आपको अपने अपलाइन को पूछना है ताकि आप इस बिजनेस में फेल ना हो। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज योर लीड जनरेशन सिस्टम। बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहला स्टेप है लीड जनरेशन, कि आपका लीड जनरेशन सिस्टम कैसा है इस बिजनेस के लिए, लोग मिलेंगे कहां से, क्या आप डीएम्स कर रहे हो, क्या आप स्ट्रेंजर्स को प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, आप पब्लिक प्लेसेस में जाके लोगों से बात कर रहे हो, राइट, किसी को भी अप्रोच कर रहे हो, कहीं भी बिजनेस के लिए बोल रहे हो, कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जाके बस लिंक ड्रॉप कर रहे हो, क्या आप इस तरीके से काम कर रहे हो। बहुत गौर दीजिए, क्योंकि इस तरीके से आप सिर्फ फ्रस्ट्रेट होंगे, आप काम नहीं कर पाएंगे। अगर 100% ऑनलाइन काम करना है तो सही तरीके से आपको पूछना है, समझना है बिजनेस ज्वाइन करने से पहले या बिजनेस में है तब भी कि लीड जनरेशन सिस्टम क्या है। जब लीड जनरेशन सिस्टम के बारे में पता चल जाए तो पूछो कि सेकंड क्वेश्चन कि MLM के जो प्रोडक्ट्स है ये बाकी ट्रेडिशनल बिजनेस के प्रोडक्ट जैसे नहीं है, तो क्या ऐसा सिस्टम है कि आप MLM के प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, राइट। और MLM एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, एक बिजनेस करने का तरीका है, और ये बिजनेस है जब तक यहाँ पे प्रोडक्ट की सेल्स नहीं होगी तब तक आपका बिजनेस नहीं चलेगा। ओके, इट इज ऑल अबाउट यू, आपको सेल करना पड़ेगा, बट यहाँ पे सेल्स ही नहीं होना है, किसी के पीछे नहीं पड़ जाना है, अलग तरीके से काम होता है। तो क्लियर पूछो कि क्या सिस्टम है कि आपके जो MLM प्रोडक्ट्स हैं वो हम मार्केट में सेल कर पाए और कैसे आप वो सीखोगे। थर्ड इज कि किसी को स्पॉन्सर करने का, जैसे कि आप अभी अपने अपलाइन से बात कर रहे हो तो अपलाइन आपको स्पॉन्सर करेंगे, तो आप आगे चल के जब काम करोगे तो किसी को स्पॉन्सर करने का मतलब किसी को बिजनेस अपॉर्चुनिटी देके समझाना कैसे है, हाउ डू यू गिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड व्हाट इज द सिस्टम फॉर सपोर्ट, आप उनको सपोर्ट कैसे करोगे आने वाले समय पे। सो स्पॉन्सरिंग का क्या सिस्टम है वो समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कुछ ऐसे वाइटल क्वेश्चन है, जब आप इसको स्टार्टिंग में क्लियर नहीं करते हो तो आगे चल के आप स्ट्रगल ही करोगे। चौथा क्वेश्चन है कि आपकी एग्जिस्टिंग टीम को आप ट्रेन कैसे कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये एक नया बिजनेस है आपके लिए, आपको इस बिजनेस के बारे में नहीं पता, तो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कि कैसे किया जाता है इस बिजनेस को। तो क्या है आपका ट्रेनिंग सिस्टम जिससे आप अपने जो अभी भी टीम है उनको आप कैसे ट्रेन कर रहे हो, ये सारी चीजें अगर आप क्लियर नहीं करोगे तो आगे चल के आपको लगेगा कि क्या ट्रेनिंग चल रहा है, सिर्फ मोटिवेशन पे काम चल रहा है, एग्जैक्टली करना क्या है स्टेप बाय स्टेप कोई कुछ बता ही नहीं रहा, मेरे प्रॉब्लम्स का कोई सलूशन नहीं दे रहा, बस बात को गोल गोल घुमाया जा रहा है। तो क्लियर शब्दों में इन चीजों को समझो कि उनकी एग्जिस्टिंग टीम अभी जो है वो कैसे ट्रेनिंग ले रही है, कैसे सीख पा रही है, राइट। एंड पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नया मेंबर अगर टीम में आता है तो उसका ऑनबोर्डिंग सिस्टम क्या है, अगले 7 दिन 10 दिन तक वो कैसे सीखेगा कि बिजनेस करना कैसे है, राइट। ये ऑनबोर्डिंग सिस्टम आपके लिए भी रेलेवेंट है, अगर आप अभी अभी ज्वाइन कर रहे हो तो आप आने वाले समय पे भी क्या सीखोगे। सिर्फ ट्रेनिंग लेने से कुछ नहीं होता है, क्लियर होना चाहिए कि किस चीज की ट्रेनिंग ली जा रही है, बिजनेस में एक्चुअल स्टेप्स क्या है, अभी आपको अगले 7 से 10 दिन करना क्या है। जब तक ये सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी, ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है और नेटवर्क मार्केटिंग या MLM का जो बिजनेस है अगर एथिकली देखो तो ये टीम बिजनेस है, लोगों का बिजनेस है, तो कल को आपके भी लोग आएंगे टीम में तो वो कैसे सीखेंगे। जब आप ही इन्हीं चीजों में स्ट्रगल करोगे तो आपको बेवकूफ बना दिया गया ना, तो आपको खुद नहीं पता, तो आगे चल के आप भी सोचोगे कि मैं तो चलो आ गया, अब मुझे भी आगे लोगों को बेवकूफ बनाना है, ये नहीं करना। अगर आप इस बिजनेस में आए हो तो एथिकली तरीके से काम करने आए हो, राइट, टाइम वेस्ट करने नहीं आए, तो इन क्वेश्चंस को पहले क्लियर करो। जो भी आपके अपलाइन है, ऑनलाइन करें तो किस तरीके से करें, सिर्फ कन्विंस ही कर रहे हैं, कोई सिस्टम नहीं है, बस लोगों को परेशानी किया जा रहा है, वो काम मत कीजिएगा। ओके, सो आई होप आपको थोड़ा समझ आया होगा कि किन चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एट लास्ट, जबकि आपने वीडियो अब तक यहाँ देखा है, चीजों को समझा है, तो मेरे तरफ से आपके लिए एक फ्री गिफ्ट है कि आप डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, आपके लिए एक फ्री मिनी कोर्स है डिस्क्रिप्शन में, जहां पे आप समझेंगे कि कैसे इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को 100% ऑनलाइन करना है बिना किसी को कन्विंस किए, विद प्रॉपर सिस्टम,
by building multiple stream of income around network marketing. Network marketing से distract नहीं होके कैसे network marketing में रह के आप वो चीज कर सकते हो, description check कीजिए. आपको वो gift लेना ही चाहिए ताकि आप सीखो कि आज के समय पे 2022 में professionally आप अपने job के साथ साथ अगर 2 घंटा भी काम करना है तो क्या करना है. वो सारी चीजें आपको सीखना इंपॉर्टेंट है, राइट. डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, और भी कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन और गुडीज आपके लिए वहां है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अभी अभी यूट्यूब पर जर्नी शुरू किया है. मैं सोच रहा था कि ये जो सारी चीजें अनप्रोफेशनल तरीके में चल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग में, जबकि बहुत पावर है, बहुत स्कोप है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, बट ये सिस्टम को चेंज करना इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनलिज्म लाना इंपॉर्टेंट है. तो मेरा प्रयास रहेगा कि आपको और भी वैल्यूएबल वीडियोस दूं ताकि आप समझो कि बिजनेस को सही तरीके से करना कैसे है. अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.